आज के दिन मार्केट फिर से वापस से पंप लेना शुरू हो चुकी है और इसके पीछे बहुत बड़ी मैनिपुलेशन चल रही है। एक्चुअल में क्या कि पहले जितनी भी नेगेटिव मैनिपुलेशन थी जिसकी वजह से पूरी मार्केट को डंप किया गया था ताकि वहां डिप को बाई किया जाए, लेकिन इसी के साथ अब पॉजिटिविटी भी बहुत ज़्यादा दिख रही है चाइना की तरफ से, इलन की तरफ से और इसी के साथ जैक की तरफ से। तो ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ प्राइसेस कहाँ तक जा सकते हैं और इसी के साथ हम डिस्कस करने वाले इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हैं, और इसी के साथ हम थोड़ा डिस्कस करने वाले डॉजकॉइन के बारे में क्योंकि वो भी थोड़ा बुलिश दिख रहा है इस वक्त। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए नए तो इसे वॉल्फ ट्विटर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारी लेटेस्ट अपडेट्स पहुंच रहे। और इसके साथ अगर आपने जुड़ी हमारे साथ टेलीग्राम के ऊपर तो वहाँ भी जुड़ जाइए क्योंकि वहाँ आपको 24/7 सारी अपडेट्स मिलने वाली है। और इसके साथ कब किस क्रिप्टो करेंसी में एंट्री और एग्जिट लेना चाहिए, यह सब कुछ हम डिस्कस वहाँ कर सकते हैं, तो आप कोई भी डाउट हो वहाँ डिस्कस कर सकते हैं, तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा मार्केट का जायजा ले लेते हैं। इस वक्त जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बिटकॉइन वापस से $37,000 के आसपास चल रहा है, $38,000 तक पहुंचने वाला है, लेकिन इसी के साथ एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस भी बन रहा है $39,000 पर। लेकिन अगर बाकी की मार्केट देखते हैं तो वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इथेरियम वापस से $2,800 तक पहुँच गया, BNB भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इस वक्त डॉज भी $0.3 के आसपास चल रहा है जिसमें करीब 6% का इंक्रीज़ आया है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इसकी बाइंग और भी ज़्यादा चल रही है इस वक्त, क्योंकि जितनी ज़्यादा वॉल्यूम आएगी बिटकॉइन में, जितनी ज़्यादा बाइंग होगी उसी की वजह से यहाँ बिटकॉइन का प्राइस इंक्रीज होते हुए सभी ऑल्टकॉइंस अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो अब हम जानते हैं कि इसके पीछे एक्चुअल में रीज़न क्या है। सबसे पहले इलन मस्क ने क्या किया, उसने पूरी की पूरी मार्केट को मैनिपुलेट किया, शुरुआत उसी ने करी, उसके बाद बहुत से ऐसे ट्वीट्स आए जिसकी वजह से पूरी मार्केट को डंप किया गया था। वही इलन मस्क जिन्होंने यहाँ सस्पेंड किया था बिटकॉइन को कि वो एक्सेप्ट नहीं करने वाले बिटकॉइन को टेस्ला गाड़ी को परचेज करने के लिए, तो उसके पीछे एनर्जी की कंजम्पशन की बात करेगी। लेकिन अभी उन्होंने वापस बिटकॉइन का जो लोगो है और इसके साथ एक एनीम है वो उन्होंने लगाया अपने ट्विटर के ऊपर। तो आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पीछे एक बिटकॉइन दिख रहा है और इसी के साथ एक टी शर्ट है, टॉप है जिसके ऊपर बिटकॉइन बना है। तो कहने का मतलब ये कि ये वापस यहाँ मैनिपुलेशन शुरू हो चुकी है, बिटकॉइन को फिर से सम हाउ एक्सेप्ट किया जा रहा है। लेकिन इसी के साथ आप देखोगे जो जैक डॉर्सी हैं उनके ट्विटर के ऊपर भी यहाँ बायो में बिटकॉइन अभी भी है। और इसी के साथ सबसे अच्छी न्यूज़ ये आ रही कि स्क्वेयर जो कंपनी है जैक की, तो उन्होंने ये बोला कि वो हार्डवेयर वॉलेट बनाने वाले हैं बिटकॉइंस को होल्ड करने के लिए। तो ये दो ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ है जिसकी वजह से बिटकॉइन वापस से पंप होना शुरू हो चुका है। इसके साथ आप सभी ऑल्टकॉइंस भी देख सकते हो कि वो भी बहुत अच्छा खासा पंप ले रहे हैं। तो बिटकॉइन के एनालिसिस की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डॉजकॉइन के बारे में बता देता हूँ। तो इसका क्या है कि एक्चुअल में लिस्टिंग हुई थी कॉइन बेस प्रो के ऊपर, लेकिन उसकी वजह से एक छोटा सा पंप आया था, सिर्फ 20% का पंप दिखा था, लेकिन वापस उसका प्राइस डंप हो गया। इसका रीज़न तो वही है क्योंकि जब भी र्यूमर होता है तो उससे क्या कि बाइंग ज़्यादा आती है और इवेंट पूरा होने पर वापस से कोई भी कॉइन है वो डंप हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि लगभग एक महीने के अंदर 75% डॉज कॉइन का प्राइस डिक्लाइन हुआ है। तो इस वक्त जो नीचे अभी सपोर्ट है वो 0.226 के आसपास है और करंटली अभी हम देखें तो इसका प्राइस $0.4 के करीब चल रहा है। तो अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो 0.47 तक इसका प्राइस जाएगा और उसके बाद $0.5 तक प्राइस जा सकता है। जैसे लास्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो ये $0.6 तक पुश हो सकता है। लेकिन इसी के साथ डॉज के पॉजिटिव फंडामेंटल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो अभी डॉज को पुश कर सकते हैं। तो इस वक्त जो इलन मस्क हैं वो तो DP को लेकर और इसी के साथ ट्वीट्स के साथ पूरी मार्केट को मैनिपुलेट कर ही रहे हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है वो $39,000 के आसपास है और जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये $42,000 तक पहुंच सकता है। और इसी तरीके से अगर हम वॉल्यूम आती रही तो ऑब्वियसली बिटकॉइन बहुत अच्छा पंप लेगा और इसी के साथ जितने भी ऑल्टकॉइंस हैं वो वापस उसी प्राइस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आपकी क्या राय इसके बारे में कृपया नीचे कमेंट करके बताएं, और नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर चाहिए ये भी नीचे कमेंट कर दीजिए। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल वॉल्फ फिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अब तक सारी लेटेस्ट अपडेट्स पहुंचते रहें। धन्यवाद।